दतिया जिले के थाना गौराघाट क्षेत्र के ग्राम उचाड़ में सिंध नदी के पास से मिट्टी लेने पहुंची तीन नाबालिगों लड़की नदी में डूब गई। मौके पर पुलिस ने दो नाबालिग लड़कियों के शव नदी से निकाल लिए हैं। अभी एक लड़की लापता है। इस कार्य के लिए पुलिस ने राहत कार्य चलाया है, लेकिन अभी तक किसी तरह का सुराग नहीं मिला है। दतिया अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पुलिस ने बताया है इस घटना की जानकारी देते हुए कि जल्द ही लापता लड़की की खोज की जाएगी और हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में दुखद का माहौल भी है। आज सुबह 10 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि क्रूक ग्राम उचाड़ थाना गोराघाट अंतर्गत ग्राम उचाड़ आता है, वहाँ की तीन बच्चियाँ जो है सिंध नदी में नहाने गई हुई थी। उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। उसी बच्चे ने आकर के गांव में खबर दी है, गांव में खबर करी और गांव से पुलिस को खबर प्राप्त हुई। ये तत्काल प्रभाव से पुलिस की टीम और हमारे गोताखोर वहाँ पहुँचे, इनको लगातार रेस्क्यू करके दो बच्चियों की डेड बॉडी निकाल ली है, संगीता की और खुशबू की। तीसरी बच्ची जो वैसड़ हुई है उसके लिए हमारी पूरी टीम लगी हुई है। हमारे DSP साहब, SDOP साहब और थाना प्रभारी एवं पूरी गोताखोर टीम वहाँ अभी भी लगी हुई है और उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया इसमें यही आया है कि वो बच्चियाँ नहाने गई थी, जहाँ उनका पैर फिसलने से वो डूब गई, इसके कारण से वो बह गई।